नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी टाइम जो है मार्केट में उतार चढ़ाव जो है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले। क्लोजिंग अगर यहाँ पे देखी जाए तो काफ़ी अच्छी देखने को मिली, और अगर आज का इंट्राडे का टारगेट्स के अगर अच्छी खासी उछाल भी देखने को मिली। पर क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलने वाला है, और क्वार्टर टू के रिजल्ट का जो टारगेट है वो किस लेवल पर देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों कंपनी जो है यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। आज दोस्तों कंपनी की बोर्ड मीटिंग यहाँ पे हुई थी, उस पर क्या अपडेट रही है वो दोस्तों वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। अब के टाइम देख तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आज की जो ओपनिंग यहाँ पे नजर आई वो 2.03 रुपये के साथ यहाँ पे नजर आई, और 2.06 रुपये तक अच्छी खासी जो तेजी थी आज के मार्केट पर नजर आई। पर गिरावट भी दोस्तों उसी के विपरीत काफ़ी अच्छी देखने को मिली, 2 रुपये तक मार्केट यहाँ पे टूटता हुआ देखने को मिला। और अभी टाइम अगर कंपनी में देखा जाए तो जो फंडामेंटल नजर आ रहा है, जो आज की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 2.05 रुपये पर यहाँ पे देखने को मिली है। इस बीच अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 पैसे का जंप यहाँ पे नजर आया। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो पिछले 5 दिन मार्केट जो देखने को मिले, लगभग जो 4 मार्केट यहाँ पे रहने वाले उसमें लगातार मार्केट यहाँ पे टूटता हुआ देखने को नजर आया। पर आज जो है मार्केट वापस जो रिवर्स करता हुआ नजर आया। अभी टाइम जो गिरावट नजर आ रही है वो दोस्तों अभी टाइम 1.44% की रिटर्न्स पर देखने को मिलने वाली है। अभी के टाइम दोस्तों कंपनी ने जो आज बोर्ड मीटिंग यहाँ पे फाइनल हुई थी उसमें ये डिसीजन यहाँ पे लिया गया, बड़े जो एक्सपर्ट है, बड़े जो अधिकारी हैं उनके द्वारा, ये CEO के द्वारा ये डिसीजन हुआ है कि कंपनी दोस्तों अभी टाइम जो है 500 करोड़ का जो है लोन यहाँ पे लेने वाली है क्वार्टर टू के पहले पहले। अगर कंपनी जो है यहाँ पे 500 करोड़ का लोन सेंक्शन अगर यहाँ पे हो जाता है, अगर यहाँ पे पास अगर यहाँ पे हो जाता है, अप्रूव अगर यहाँ पे हो जाता है, तो कंपनी जो है अच्छी खासी जो ग्रोथ है, कंपनी जो छोटे छोटे जो कमियाँ हैं कंपनी के अंदर वो उस चीज़ से ग्रोथ यहाँ पे कर सकती है। और कंपनी भी जो है अभी टाइम से अपनी इकाइयाँ जो है वो यहाँ पे बढ़ाने को लेकर यहाँ पे आगे जो है बड़ा कदम यहाँ पे उठा सकती है। अगर कंपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ को लेकर यहाँ पे आगे इकाइयाँ बढ़ाती है तो कंपनी अपना फंडामेंटल काफ़ी इंप्रूव कर सकती है, और मार्केट कैप में बढ़ावा यहाँ पे अच्छा खासा नज़र आ सकता है। अब बात रही दोस्तों क्वार्टर टू के रिजल्ट की, तो दोस्तों कंपनी अभी टाइम जो देखने को नजर आ रहा है कि कंपनी का क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो अभी के टाइम अभी तक कंपनी की बोर्ड मीटिंग अभी फाइनल यहाँ पे हुई नहीं, और कंपनी में अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्वार्टर टू का जो टारगेट्स है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को नजर आ सकता है। पर कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर दोस्तों अगर नेक्स्ट मंथ जो है बोर्ड मीटिंग अगर यहाँ पे फाइनल होती है तो कंपनी का जो क्वार्टर टू का जो डेटा है वो काफ़ी अच्छा बन सकता है। और उसमें अगर यहाँ पे देखा जाए तो वर्तमान प्रॉफिट की जो ग्रोथ अभी टाइम जो देखने को नजर आ रही है 824% की, तो वो काफ़ी अच्छी बन सकती है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की सेल्स की जो ग्रोथ है वो अभी टाइम काफ़ी बड़ी यहाँ पे गिरावट नजर आ रही है, 10.5% जो है वो अभी टाइम यहाँ पे नेगेटिव देखने को नजर आ रही है। तो ये कंपनी में थोड़ी सी यहाँ पे अटकलें जो है वो यहाँ पे आ सकती है, जो खामी है वो यहाँ पे नजर आ सकती है। पर अभी के टाइम जो देखने को मिला कि कंपनी का जो मार्केट कैप है उसमें भी थोड़ी गिरावट लास्ट टाइम जो यहाँ पे देखने को मिली है, 206 करोड़ का अभी टाइम मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। पिछले टाइम जो देखने को मिला था तो वो दोस्तों यहाँ पे देखने को नजर आया था कि मार्केट कैप जो देखने को नजर आया था वो 213 करोड़ का यहाँ पे देखने को नजर आया, पर अभी टाइम गिरावट नजर आई। साथ ही साथ लास्ट एक महीने की अगर बात की जाए तो लास्ट एक महीने में 12% की रिटर्न अभी टाइम कंटिन्यूसली यहाँ पे तेजी बनती नजर आ रही है। 2.15 रुपये तक इंट्राडे का जो हाईएस्ट जंप यहाँ पे देखने को नजर आया। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखें तो कंपनी में जो अदर जो फंडामेंटल है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया। तो अभी के टाइम जितना हो सके दोस्तों पेशेंस के साथ हम लोग होल्ड बनाने की आवश्यकता है। क्वार्टर टू के टारगेट्स की अगर बात की जाए तो 3 रुपये प्लस यहाँ पे क्रॉस कर सकता है क्वार्टर टू का जो टारगेट है, और कंपनी ऑलरेडी जो है क्वार्टर टू का रिजल्ट धीरे धीरे जारी करती हुई नजर आई है। अब तक जो लिस्ट यहाँ पे जारी हुई है दोस्तों BSE की तरफ से, तो उसमें अभी तक दोस्तों इंडियन इंफोटेक का जो है अभी टाइम नंबर देखने को नजर नहीं आया। फिलहाल दोस्तों आप लोग को बेसिक जानकारी की और बेसिक फंडामेंटल को लेकर, उससे पहले बता दूं चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल दोस्तों कंपनी का जो अभी टाइम बेसिक जो चार्ट का जो संकेत अभी टाइम देखने को नजर आ रहा है तो वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों कम जो है अभी टाइम मार्केट जो है दोस्तों 2 तारीख को यहाँ पे क्लोज रहने वाला है। 2 तारीख को दोस्तों गांधी जयंती की वजह से मार्केट यहाँ पे क्लोज रहने वाला है, तो दोस्तों मंगलवार को मार्केट ओपन रहने वाला है। अब उसके जो आउटलुक्स यहाँ पे मंगलवार के मार्केट को लेकर जो रहने वाली है उसकी जो आउटलुक्स अभी टाइम नजर आ रही है, अगर हाइएस्ट की अगर मैं बात करना चाहूँ तो दोस्तों 2.09 रुपये से लेकर 2.12 रुपये तक मार्केट जो है यहाँ पे जंप करता हुआ नजर आ सकता है। यह हाइएस्ट की आउटलुक्स रहने वाली है। गिरावट की अगर बात की जाए तो गिरावट जो है 2.01 रुपये तक यहाँ पे दोस्तों नजर आ सकती है। तो इस चीज के बीच जो है मार्केट क्लोजिंग देने वाला है, ये मार्केट के आउटलुक से रहने वाली है। फिलहाल कंपनी के चार्ट की अगर बात की जाए तो दोस्तों मार्केट में आज सेलिंग ऑर्डर बढ़ा नजर आया, तो इस चीज में थोड़ी सी जो फंडामेंटल है वो डगमगा सकती है। पर अभी टाइम जो देखने को मिल रहा है कि हैमर वाला जो कैंडल है वो अभी टाइम यहाँ पे क्रिएट होता हुआ आज मार्केट पर देखने को मिला, तो इसी से कंपनी जो है लगातार वापस यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे करी। पर अभी टाइम जो है ऑपरेटर्स की वजह से या दोस्तों शेयर होल्डर्स की मूर्खता की वजह से मार्केट में जो सेलिंग
सेलिंग ऑर्डर नजर आ रहा है, तो इस चीज़ की वजह से मार्केट में गिरावट यहाँ पे बड़ी हो सकती है और क्वार्टर टू के जो टारगेट्स हैं उसमें कटौती का जो सामना है वो हम लोग को यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो फिलहाल होल्ड रखने की आवश्यकता है। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की और कोई भी जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर शेयर कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो जानकारी कमेंट में पिन कर देना, इंसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक की इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।